झारखंड जैसे राज्य जिसकी आधे से ज्यादा हिस्सा कुदरती संसाधन में भरा हुआ है और उसी आबादी में आधा से ज्यादा बच्चे कुपोषित भी हैं, ये अपने आप में एक गंभीर सोच पैदा करती है। ये कुपोषण का शिकार एक और दो चेहरे में सीमित नहीं है, ऐसे कई चेहरे दिखने में मिलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खाना की कमी से नहीं होती है बल्कि खाना खाने के तरीके से भी होती है। शांति की बेटी तो 11 महीने की हो गई है, मगर क्यों अभी तक बैठ भी नहीं पा रही है, आइए देखते हैं। शांति कहाँ से आ रही हो? मंजू, मैं बाजार से आ रही हूँ। बाजार से? बाजार से क्या क्या लेकर आई? क्या लाएंगे? आलू और टमाटर लाए हैं। अरे वाह, आलू टमाटर। अच्छा बताओ शांति, तुम्हारी बेटी कैसी है? अरे वो तो 12 महीने की हो गई है और बिल्कुल ठीक है। अरे अब तो वो बैठने भी लगी होगी तब तो। अरे कहाँ बैठती है, अभी तो नहीं बैठती है। 11 माह की हो गई है, अभी तक बैठ नहीं रही है। भाभी भैया बुला रहे। अच्छा शांति, अब हम घर चलते हैं। कल आएंगे तुम्हारे घर तुम्हारी बेटी को देखने के लिए। ठीक मंजू, कल जरूर आना, हम तेरा इंतजार करेंगे घर पे। नंसी के लिए खाना ला। हाँ माँ जी, लीजिए खाना, नैन्सी को खिला दीजिए। प्रणाम चाची। खुश रहो। अरे शांति, तुम्हारी बेटी तो खाना खा रही थी, क्या दी थी खाने में? आलू और चावल मसल के खिला रही थी। चावल और आलू? 11 महीने के बच्ची को तुम सिर्फ केवल चावल और आलू ही खिला रही हो? ये चावल और आलू खिलाने से नहीं होगा, तुमको अपनी बच्ची को कई प्रकार के पौष्टिक गुण वाले खाना खिलाने पड़ेगी, क्योंकि इससे जानती हो बच्चे को कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता मिलती है और उम्र अनुसार बच्चे की शारीरिक और बुद्धि का भी विकास होता है और उसे कुपोषण से भी बचाया जा सकता है। अरे सविता दीदी, आप आइए बैठिए। अरे मंजू, क्या सिखा रही हो शांति को? दीदी, आप जो आंगनबाड़ी में हम लोगों को बताती हैं वही सब तो बता रहे हैं इसको। देखिए ना दीदी, शांति की बेटी 11 माह की हो गई है पर अभी तक बैठती भी नहीं है। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है, लेकिन हर तुम आंगनबाड़ी हमेशा तुमको बुलाते हैं, आया करो, अपनी बेटी को वजन करवाया करो। तो प्रत्येक माह हम लोग वजन लेते हैं, इससे बच्चे का विकास हो रहा है या नहीं पता तुमको चलेगा। अरे शांति, कल ही तो आंगनबाड़ी में मीटिंग रखे थे माताओं का, खान पान के संबंध में, इससे बच्चे को क्या देना है, कितना देना है, उसमें सारे पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दिए थे। पौष्टिक आहार की माताओं ने एक टोकरी भी बनाई जो बहुत अच्छा है। ऐसा करना, तुम लोग चलो 1 घंटे में आंगनबाड़ी दिखाएंगे और तुम लोग को भी बतलाएंगे कि कैसे, मतलब कि क्या देना चाहिए और कितना देना चाहिए। आ गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आओ बैठो। देखो इसी टोकरी के बारे में बतला रहे थे। हाँ दीदी, आप टोकरी के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में हमको समझाइए। हाँ दीदी, हमको भी समझना है। देखो शांति और मंजू, टोकरी दिखलाने से पहले हम तुमको एक जरूरी बात बता दें, खाने के जो विभिन्न प्रकार होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं। देखो मंजू, जो खाने के विषय में 7 प्रकार बतलाते हैं उसमें पहला प्रकार अनाज आता है, जिसमें ये चावल है, आलू है, बाजरा, मकई, जौ, यही सब आता है अनाज में, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और वो शरीर में शक्ति प्रदान करती है। दूसरा प्रकार है जिसमें कि दाल आता है। दाल बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे चना दाल, मसूर दाल, अरहर दाल,
उड़द दाल और ये सब में प्रोटीन पाया जाता है। खाने की तीसरी प्रकार है ये अंडा, जिससे कि शरीर में कैल्शियम, प्रोटीन और ऊर्जा मिलती है। देखो ये चौथा प्रकार है दूध, जिससे कि दूध से पनीर भी बनता है, दही, खोवा और ये सब में कैल्शियम, प्रोटीन और ऊर्जा पाया जाता है। देखो ये पांचवा प्रकार है मछली और मांस, जिसमें कि प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है। देखो ये खाने की छठी प्रकार है, जिसमें कि हरी शाक सब्जियां आती है। ये रहा भदुआ शाक, ये पालक की शाक और ये मेथी की शाक, और इसमें ही पीली रंग की कोहड़ा आता है और कटहल भी आता है, जिसमें कि भरपूर मात्रा में आयरन और विटामिन ए मिलती है, पोषक तत्व। और सातवें प्रकार में आती है बाकी सारे फल, जो हमारे घर के आसपास और मौसम के अनुसार पाया जाता है, जैसे आम, केला, पका हुआ अमरूद, शरीफा, शहतूत। फल से हमें भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन सी और पानी मिलती है। अरे दीदी, इतना सारा सामान दिखा दिए जो बहुत महंगा पड़ेगा। क्या बात करती हो शांति, ये सब जितना भी सामान है ये तो लगभग सभी के घर में पाया जाता है, तुम्हारे घर में भी है, जैसे चावल, दाल तुम्हारे घर में है ना, और साग सब्जी जितने भी साग है उनको लगता है तुम्हारे बगान में भी लगा हुआ है। पालक का साग तो तुम लगाई ही हो, बैगन भी देखे तुम्हारे बगान में लगा हुआ है, रह गया पपीता, पपीता तो तुम्हारे चाचा के घर में हम देखे बगान में लगा हुआ है, और मेरे भी बगान में लगा हुआ बहुत सारा सामान, जैसे फूलगोभी है तुम हमसे भी आके ले सकती हो, और टमाटर भी लगाए हैं वो भी आके ले लेना। ये दूध, दूध तो तुम्हारे घर में गाय है, तुम आराम से दूध तुमको मिल जाएगा। रह गया ये मछली, अंडा, ये तो सप्ताह में एक दो बार तो तुम्हारे घर आ ही जाता होगा, तो महंगा कहाँ से हुआ बताओ। देखो शांति, हर रोज सात प्रकार का खाने की आवश्यकता नहीं है, कम से कम चार प्रकार का तो खाना ही चाहिए। अच्छा दीदी, इतना सारा खाना खिलाने पर बच्चे को स्तनपान तो नहीं कराना पड़ेगा? अरे नहीं शांति, इस ऊपरी आहार के साथ साथ बच्चे को 2 साल तक स्तनपान कराते रहना चाहिए। दीदी शांति को ये भी बता दीजिए कि बीमारी के वक्त क्या करना चाहिए। देखो मंजू, सवाल तो तुमने बहुत अच्छा पूछा। शांति, बच्चे अगर बीमार हो तो आहार में कोई कमी नहीं करना चाहिए, आहार पहले से ज़्यादा देना चाहिए। वाह दीदी, आपने तो बहुत अच्छी जानकारी दी है, ये सब के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। दीदी पास आने का यही तो फायदा है। देखो इन सारी बातों को याद रखना, और जब भी हम आंगनबाड़ी में बैठक रखते हैं तो वहाँ पे जरूर से जरूर आना। ठीक है दीदी, हम लोग आते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।